स्टूडेंट असल टूडे व टॉपिक इज स्टार स्पीक्स टू मेन इट इज अ पॉइम फ्राम एट्थ क्लास इंग्लिश तो बच्चों कल हमने ये पॉइम पढ़ी है इसके आज हमें क्वेश्चन और आंसर लिखने हैं अपनी अपनी बुक्स पे पेज नंबर ये सेवेंटी फोर पे क्वेश्चन नंबर वन है वट डू द स्टॉर से टू मेन इन द फर्स्ट टू लाइन्स तो इसका आंसर है इन द फर्स्ट टू लाइन्स स्टार रिमाइंड्स मेन दैट ही वॉज बर्न टू इन लाइटिंग द वर्ल्ड बट ही हैज़ चूजन द फायर एंड शोड हिज इनसेंजिटिवनेस दस पुट ह्यूमिटी इन डिसग्रेस तो इसका क्वेश्चन uh, नंबर Uh, nature had fashioned you to apportion love and affectionate, but you took to buying and selling religions and faith instead. Explain these lines. Answer is ka, these lines have been taken from the star speaks to men. Written in Kashmiri by a Kashmiri writer Abdul Azad and translated into English by Professor G. R. Malik. In these lines, Star tells the man that he was designed to distribute love and affectionate proportionally among people, uh, but he he made the business of his religions and thus. Have lost faith in religions. Uh, question number three is: uh, Why is man described as a serpent? To its answer is: A serpent is a poisonous animal. If it is given the task to guard the treasure, it will allow no to no one to come near it nature had bestowed treasure for all to share it equally but man with his selfishness took it all and sat like a serpent on it thereby allowing no one to come near it near it दैट इज वाई मैन इज डिस्क्राइबड एज ए सरपेंट इन द पॉइंट तो आगे इसका क्वेश्चन नंबर फोर है दैट विच यू कॉल अ वेकनिंग इज ए स्टूफाइंग हैंग ओवर वाई तो इसका आंसर है मैन हैज क्रिएटेड divisions on the basis of religion his own mischief has divided humans in the name of religion thus they have lost faith in it the men called this mischief an awakening while as it was a seditio to make it restless and

His religions created divisions among brothers that lead to bloodshed. He has forgotten the humbleness, honor, help, sympathy, and sharing. Now it is time that he should repent from his all misdeeds. Thus, the poet. थ्रू हिज आर्ट ऑफ पोइट्री वांट्स टू वारन मेन फॉर हीज़ मिसलीड्स। तो आगे लैंग्वेज वर्क है फिल इन द ब्लैंक्स टू तो मेक ए मीनिंगफुल समरी ऑफ द पोईम तो आगे इसके जो ये फिल इन द ब्लैंक्स अपनी बुक्स पे देखिए ये पेज नंबर सेवेंटी फाइव है ये यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं द पॉइम इज एडस्ट टू ए डैश डैश तो यहाँ आएगा मेन द पोइटल्स मेन दैट ही वॉज द डैश डैश ऑफ तो यहाँ पे आएगा लाइट ऑफ आ रीजन बट ही पुट ही टू डिस यहाँ पे क्या आएगा डिसग्रेस नेचर हैड प्रोवाइडेड हिम नेचर हैड प्रोवाइडिड हिम विद ट्रेजर ऑफ बाउंटीज़ टू शेयर देम टू यहाँ पे आएगा डैश डैश की जगह इक्वली बट ही सैट डैश डैश लाइक ए सैरपेंट ऑन देम हीज़ हार्ट इज डैश डैश रेस्टलेसली वाइब्रेटिंग एंड हीज एंड हीज़ विजन क्लाउडेड यहाँ पे आएगा क्लाउडेड बाई फैंटासीज इन हिज अमन गार्डन ही कट द डाइड ही कट द रूट्स वायल वाटरिंग डाइडैश एंड डायश वाटरिंग ट्विग् एंड लीव्स वाटरिंग ट्विग्स एंड लीव्स लीव्स ही हैज़ रेन सेकड एंड डैश डैश की जगह आएगा अरेवेज हीज अमन होम तो आगे ये क्वेश्चन नंबर टू है इसका लैंग्वेज वर्क का यूज़ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इन यूर ऑन सेंटेंस यहाँ पे पहला है चूज टू बी ही चूज़ेस टू बी ए टीचर नंबर टू है टेक टू ही वॉज़ टेकन टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट नंबर थ्री थ्रो ओपन स्काइगा द वार्डन थ्रो ओ द डोर फॉर आल स्टूडेंट्स टू कम इन नंबर फोर पोज टू बी ही पोजेस टू बी ए जीनियस नंबर फाइव फॉल इनटू आई टोल्ड हिम नॉट टू फॉल इनटू कन्वर्सेशन विद दिम तो यहाँ पे सिक्स है टेर अपार्ट तो इसका आएगा द प्रोफेसर टोर ए पार्ट द पेपर तो यहाँ पे जो ये हमारे क्वेश्चन आंसर हैं यहीं पे ये ख़त्म हुए और हम इसको क्लोज करते हैं ओके तो स्टूडेंट अल्लाह